कि सदियों की ठंडी बुझी रात सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज की लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, जिस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस देश के लोगों को दिया था कि बहुत हुआ कि राजा अब रानी के पेट से पैदा होगा। भारत का संविधान लागू होने के बाद अब कोई राजा रानी के पेट से नहीं, जनता के वोट से पैदा होता है। आज उस संविधान को बचाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए। क्या संविधान पर खतरा मंडरा रहा है कि नहीं? क्या बाबा साहब के सपनों के भारत पर खतरा मंडरा रहा है कि नहीं? तो बताओ, हम बाबा साहब का सपनों का भारत बनाने के लिए एकजुट होकर लड़ेंगे कि नहीं? बताइए, संविधान बचाने के लिए हम एकजुट होंगे कि नहीं? आप अगर समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो खोजेंगे तो उसमें है ही ये लिखा हुआ कि इस बार पीडीए सरकार, और पीडीए की सरकार बनाने के लिए उन्होंने कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और गरीब, कमजोर, किसान, नौजवान, इन सब के दुख दर्द का इलाज करना इस बार इंडिया गठबंधन के लोगों ने ठाना है। आपके इस ऐतिहासिक लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया गया है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जिनके ऊपर भरोसा करके संविधान और सामाजिक न्याय को बचाने के लिए पीडीए पर यकीन करके जिनको प्रत्याशी बनाया है, अमरनाथ सिंह मौर्य जी को हम आप सबके सामने अपील करते हैं कि एक एक वोट देकर के विजयी बनाइएगा। बात पहले होती थी गारंटी की, तो कुछ नेता ऐसे हैं जिनका झूठ इतना बड़ा है कि अपने झूठ का नाम बदल करके गारंटी भी रख दें तब भी किसी को भरोसा नहीं होता है। और एक नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने अगर बात की है पीडीए के गारंटी की, तो देखिए इस मंच पर आपको पीडीए नजर आएगा। और इसके लिए हम यहां पर खड़े हैं कि इन सारे पीडीए के लोगों को मजबूत करना। मेरी नौकरी गई तो एक निजी रिश्ता बन गया था आदरणीय अखिलेश यादव जी से। मैं उनके पास पहुंचा, उनके पास पहले से सूचना थी और ये पहले मंच पर सार्वजनिक कर रहा हूं, इसकी वजह समझिएगा। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा कि जाओ शेर, अब आजाद हो गया, अब जाओ, ये सामाजिक न्याय और समाजवाद की लड़ाई को गांव गांव पहुंचाने का वक्त है। अरे मैंने कहा मेरी नौकरी चली गई है, मैं परेशान हूं। उन्होंने कहा कि अब तुम वो काम करो कि लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी बचे और अग्निवीर जैसी नौकरी खत्म हो, इसकी अब लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। अखिलेश यादव बहुत बहुत धन्यवाद। चंदौसी के इस चंदौहा गांव के सभी सम्मानित लोग, आसपास के गांव से आए हुए बड़े बूढ़े बुजुर्गों, माताओं बहनों, नौजवान साथियों, आप सबको सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, जय समाजवाद और इंकलाब जिंदाबाद है। और आज सबसे पहली बात ये कि जिनके लिए हम यहां आए हुए हैं, इस कार्यक्रम के जो एकमात्र केंद्र हैं और जिनको आपके इस ऐतिहासिक लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया गया है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जिनके ऊपर भरोसा करके संविधान और सामाजिक न्याय को बचाने के लिए पीडीए पर यकीन करके
जिनको प्रत्याशी बनाया है अमरनाथ सिंह मौर्य जी को, हम आप सबके सामने अपील करते हैं कि एक एक वोट देकर के विजयी बनाइएगा। आज का कार्यक्रम केवल इस बात के लिए है कि इतने बड़े चुनाव में अगर पीडीए पर भरोसा करके आदरणीय अखिलेश यादव पीडीए के लोगों को प्रतिनिधित्व देकर के आपके बीच में भेजा है, तो बताइए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं कि उस प्रतिनिधित्व के भरोसे को टूटने न दें और भारी बहुमत से अमरनाथ सिंह मौर्य जी को यहां से चुनाव जिता करके इस लड़ाई को मजबूत किया जाए। तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, यही बात कहने आया हूं। हमारे इतने सम्मानित लोग हैं जो मंच पर बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हम बहुत पहले से आपके बारे में जानते हैं, आपके संघर्षों के बारे में जानते हैं, और इलाहाबाद तो वो जमीन है। मैं पैदा भले ही आजमगढ़ में हुआ, लेकिन हम लोगों को लड़ने, समझने और पढ़ने की जो तालीम मिली वो इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मिली है, इसलिए इस शहर से एक अलग जुड़ाव भी है। और उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हमारे बहुत अग्रज भी हैं। और कल का मेरा कार्यक्रम था फतेहपुर में, जहां पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी के साथ में पूरे दिन था, और उनके बाद जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, आज मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय श्याम लाल पाल जी के साथ मैं इस मंच पर खड़ा होकर के और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। बात पहले होती थी गारंटी की, तो कुछ नेता ऐसे हैं जिनका झूठ इतना बड़ा है कि अपने झूठ का नाम बदल करके गारंटी भी रख दें तब भी किसी को भरोसा नहीं होता है। और एक नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अगर बात की है पीडीए के गारंटी की, तो देखिए इस मंच पर आपको पीडीए नजर आएगा, और इसके लिए हम यहां पर खड़े हैं कि इन सारे पीडीए के लोगों को मजबूत करना है। और इसलिए आप कार्यक्रम का पूरा ढांचा देखिए, बहुत सारे सम्मानित और बड़े नेता मंच पर बैठे हुए हैं। अब एक का नाम लें और नाम ही लेते रह जाएं तो कोई मतलब नहीं है। मैं एक अपील आपसे करूं, ये समय नेता बनने का नहीं, इनको नेता बनाने का है। बताइए आप सहमत हैं कि नहीं, बताइए आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं। अगर चुनाव नहीं जीतेंगे तो कोई नेता बन पाएगा क्या? फोटो कितना भी खिंचा लो, हारे हुए लोगों की फोटो भी कोई देखना नहीं चाहता, इस बात को याद रखिएगा। ये मेरी अपील, गुजारिश और निवेदन आपसे है। आज का मंच, आप कल्पना करिए कि हमारे पुराने मित्र हैं नवीन जी, 10 साल हो गया, और इनसे हमारी मित्रता केवल इस बात से शुरू हुई थी कि जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके खिलाफ जो पहला आंदोलन सी सेट का था, उस आंदोलन में हम दोनों साथ वहां पर खड़े थे। तो ये जो तानाशाही है, ये जो देश में तानाशाह सरकार है, इससे पिछले 10 साल से हम जंग लड़ रहे हैं। अब इस जंग में फैसला लेने की घड़ी आ गई है, इसलिए आपके बीच में केवल चुनावी बात करने आया हूं, और एक ही बात पर फोकस रहेगा, बाकी बातें तो हम करते रहे। और ये मंच कितना बड़ा है, इस मंच को संभाला है नवीन जी और इनके लोहिया वाहिनी के साथियों ने। हम तो इनको बधाई देते हैं कि समाजवादी पार्टी के ऐसे मंच को भी संभाल कर कार्यक्रम सफल कर लें, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। यहीं से जीत का पैगाम आपको मिल रहा है, वरना यहां छोटा नेता कोई नहीं होता। देखिए हम एक बात देख रहे हैं, सब लोग बड़े हैं, इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सबका एक साथ सम्मान कर रहा हूं। इस मंच पर मेरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बहुत बहुत लोग हैं, ये इनका नाम जरूर लूंगा, जो प्रदेश जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी से, हमारे भाई सतीश यादव जी, सुरेश यादव जी। हम जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विद्यार्थी थे तो उस समय के छात्र नेता थे सुरेश जी, और उस जमाने में बीपी मंडल की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई, एक वो स्कूटर था, उस स्कूटर पर बैठ करके ये पूरा आंदोलन किया करते थे। बताइए सुरेश जी, हमारे आदिल भाई हैं,
मैं इन लोगों का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये लोग उस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और आज इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं जो इस विचारधारा की लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी भी लड़ रहे हैं। उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। जितने सम्मानित नेता मंच पर बैठे हैं और हमारे सामने दिख रही हैं इस इलाके की बहुत सम्मानित विधायिका जी, और देखिए भीड़ के बीच में वहां कुर्सी पर बैठी हुई, ये बात सीखने और अनुशासन की बात है। देखिए ये अनुशासन होता है और ये बराबरी है, ये समानता है कि मंच पर बैठने से कोई बड़ा छोटा नहीं, हमारी नजर में वो भी बड़ा है जो सबसे पीछे कुर्सी पर बैठा हुआ। और मैं इस समाज को इसी बात को केवल आपके बीच में अपील करने आया हूं। जितने सम्मानित लोग हैं, जितने मंच पर बैठे हैं, वो सारे सम्मानित लोग हैं, लेकिन इतनी भीड़ में, इतनी बड़ी तादाद में दोपहर की गर्मी झेलते हुए जो सामने वहां जलती हुई कुर्सी पर बैठे हैं, मेरी नजर में उनका सम्मान ज्यादा है जिनकी वजह से हम आज यहां इकट्ठे हुए हैं। तो यही तो समाजवाद की लड़ाई है। हमारी लड़ाई का नारा हुआ करता था कि मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। इसे बराबरी की लड़ाई लड़ने के लिए हम इस समाजवादी मोर्चे के साथ आए हैं। बहुत लंबी तकरीर करने की बजाय एक बात आपसे निवेदन करूं, जितने भी लोग हैं चुनाव लड़े होंगे या लड़वाए होंगे, एक बात जरा सोच कर देखिए, अगर 1 महीने चुनाव लड़ने का मौका मिले और एक प्रत्याशी जो जिनके इलाके में कितने गांव आते हैं, इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में कितने गांव हैं आप बताइए, 2000 गांव हैं, और 2000 गांव अगर रोज 100 गांव भी घूमे तब भी 20 दिन से ज्यादा वक्त चाहिए कि इनको पूरा गांव घूमने, और एक एक मिनट इनका कीमती है। इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय अमरनाथ सिंह मौर्य जी ने इतना समय दिया है, तो बताइए इस समय का हिसाब यह नहीं होगा कि एक एक वोट अब आपको उस गांव में जाके मांगना है जहां हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नहीं पहुंच पाए। बताइए मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, हर गांव में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर आप गांव गांव नहीं जाएंगे तो इस कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं निकलेगा। और अगर इस कार्यक्रम में आए हुए बड़े बूढ़े बुजुर्ग, माताएं बहने और खासकर ये नौजवान साथी यहां से निकल करके जब तक चुनाव का वोट डालने का दिन ना आ जाए, अगर एक भी आदमी चैन से बैठे, तो इसका मतलब हम ईमानदारी से ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। गांव गांव हमें जाने की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं कि लड़ाई कितनी बड़ी है। बात अब व्यक्तियों की नहीं रही, लेकिन मुझे इतना आपने सम्मान दिया तो मैं एक किस्सा जरूर आपको सुनाना चाहता हूं कि मैं इन समाजवादी और इंडिया गठबंधन के लोगों के मंच पर क्यों खड़ा हूं। मेरी नौकरी छीन ली और नवीन जी के साथ जो 10 साल का संघर्ष था, हम तो प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे, लेकिन पढ़ाने के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, महात्मा ज्योतिबा फूले का, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार का, जगदेव बाबू का, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का, महामना राम स्वरूप वर्मा का, पेरियार ललई सिंह यादव का, मान्यवर कांशी राम और हम सब के समाजवाद के बड़े नेता रफीकुल मुल्क, इंसाफ और इंसानियत की पैरोकारी करने वाले आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव का सपना जो समाजवाद और अंबेडकरवाद का था, उसको पूरा करने की हम लड़ाई लड़ा करते थे। और ये फूलपुर विधानसभा है, लोकसभा है, और इस फूलपुर लोकसभा से पहले चुनाव लड़ के जीते कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का ये क्षेत्र है, और यही फूलपुर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का भी चुनावी क्षेत्र रहा है, जिन्होंने मंडल कमीशन लागू करके इस देश में समाजवाद और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत किया। मैं तो सोचता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी भी आज वाले प्रधानमंत्री की तरह होते तो 60 साल में ये देश कहां पहुंचा होता कि 8 करोड़ का गाड़ी और 8000 करोड़ का हवाई जहाज, 1.5 लाख रुपया का चश्मा, 10 लाख का सूट, ये सब पहुंचने पहनने वाला कहे कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा। बताइए इस देश में भाखड़ा नांगल बांध से लेकर के आईआईटी आईआईएम बनाने वाले नेता,
ये जवाहरलाल नेहरू जी थे और वो समाजवादी विचारों के नेता हुआ करते थे। और 2024 का चुनाव हो रहा है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन के नेता यहां मंच पर बैठे हुए हैं। तो वो लड़ाई, आज की लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, जिस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस देश के लोगों को दिया था कि बहुत हुआ कि राजा अब रानी के पेट से पैदा होगा। भारत का संविधान लागू होने के बाद अब कोई राजा रानी के पेट से नहीं, जनता के वोट से पैदा होता है। आज उस संविधान को बचाने के लिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं और इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि जब मेरी नौकरी गई तो हमने भी ये सोचा कि सवाल एक नौकरी का नहीं है, और हमने उन लोगों ने सोचा कि नौकरी से निकाल दिया तो चुप हो जाएगा, तो हमने भी तय किया कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए जो हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चार चार बच्चे कुर्बान हो गए, बाबा साहब अपना निजी जीवन अच्छा नहीं जी पाए, लेकिन एक बार जब किसी ने कहा कि आप अपने बच्चों को कुर्बान करते जा रहे हैं, आप अपना ध्यान परिवार का ध्यान नहीं रखते, बाबा साहब एक बार दो रात के आधी रात को पढ़ाई कर रहे थे, एक विदेशी पत्रकार आया और उसने कहा कि आप इतनी रात को सोए नहीं, तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैं इसलिए जाग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कही थी, और मैं सामाजिक न्याय और समाजवाद की बात करने आया हूं कि बड़ी मुश्किल से यह कारवां यहां तक लाया हूं, इसे आगे ले जाना, और अगर आगे ना ले जा पाओ तो इस कारवां को यही छोड़ देना, इसको पीछे मत जाने देना। बताओ ये भाजपा और आरएसएस के लोग ये बाबा साहब अंबेडकर का कारवां पीछे ले जा रहे कि नहीं ले जा रहे, बताइए आप जोर से, ये कारवां पीछे जा रहा है कि नहीं, क्या संविधान पर खतरा मंडरा रहा है कि नहीं, क्या बाबा साहब के सपनों के भारत पर खतरा मंडरा रहा है कि नहीं, तो बताओ हम बाबा साहब का सपनों का भारत बनाने के लिए एकजुट होकर लड़ेंगे कि नहीं, बताइए संविधान बचाने के लिए हम एकजुट होंगे कि नहीं। इसलिए मैं आपके बीच में जब आया हूं, मेरी नौकरी गई तो एक निजी रिश्ता बन गया था आदरणीय अखिलेश यादव जी से, मैं उनके पास पहुंचा, उनके पास पहले से सूचना थी, और ये पहले मंच पर सार्वजनिक कर रहा हूं इसकी वजह समझिएगा, उन्होंने मुझे देखते हुए कहा कि जाओ शेर अब आजाद हो गया, अब जाओ ये सामाजिक न्याय और समाजवाद की लड़ाई को गांव गांव पहुंचाने का वक्त है। अरे मैंने कहा मेरी नौकरी चली गई है, मैं परेशान हूं। उन्होंने कहा कि अब तुम वो काम करो कि लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी बचे और अग्निवीर जैसी नौकरी खत्म हो, इसकी अब लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। और इसलिए उसी दिन उन्होंने कहा कि इस चुनाव में, संविधान बचाने के चुनाव में तुम क्या चुनोगे, तो मैंने भी सोचा, एक पैगाम इशारे में समझिएगा, जंगल में दोस्ती करनी होती है, अगर गधे की दोस्ती करेंगे तो जिंदगी भर गुलामी सिखाएगा, और शेर से दोस्ती करेंगे तो हुकूमत करना आपको सिखाएगा, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए कमजोर लोगों के साथ और सोहबत करने की क्या जरूरत, हमने इंडिया गठबंधन का साथ देना चुना, और जिस इंडिया गठबंधन ने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलेगी, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अग्निवीर जैसी ये चार साल की नौकरी खत्म की जाएगी, 18 साल में नौकरी और 22 साल में रिटायर करने वाले 74 साल की उम्र में कह रहे हैं एक मौका और दे दो, बताओ आप मौका दोगे क्या? अरे भाई अब रिटायर होने का वक्त आपका आ गया है, इसलिए जिल्ले इलाही को इस फूलपुर की ऐतिहासिक लोकसभा से एक पैगाम देना, उत्तर प्रदेश ने स्वागत किया था 14 में, अब 24 में उत्तर प्रदेश से विदाई करेगा, इसका पैगाम फूलपुर की लोकसभा सीट से देने का वक्त आ गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवादी नेता कहा करते थे कि रोटी अगर पलटी नहीं जाएगी तो जल जाएगी। बताओ पुराने लोगों, और मंच पर बहुत सम्मानित लोग बैठे हैं, हमारे एमएलसी साहब मान सिंह यादव जी बैठे हुए हैं, हमारे श्यामलाल पाल जी बैठे हुए हैं, धर्मराज पटेल जी पूर्व सांसद बैठे हुए हैं, हमारे सामने आदरणीय विजमा जी बैठी हुई हैं, मंच पर तमाम महिला साथी छात्र नेता बैठे हुए हैं, और इस बात को देखिए, उस तानाशाह के सामने आज ये कहने का वक्त आ गया है कि आज तुम्हारी तानाशाही के सामने
पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और किसान नौजवान एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगा, इसी अपील को मैं करने आपके बीच में आया हूं। और ये आपका इलाका और उत्तर प्रदेश तो बागियों की जमीन रही है, उत्तर प्रदेश में एक से एक बागी पैदा हुए। मंच पर भी हमारे एक दोस्त बैठे हुए हैं, बागी हैं, लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष, और अभी शायद प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, उन्होंने शायद जिक्र किया तानाशाह को, जब गुरूर था कि उसके सामने कोई आंख में आंख डाल के बोलेगा नहीं, तो रोहित विमला के शहादत के खिलाफ या रामकरण निर्मल भाई ने उस तानाशाह के सामने खड़े होकर उसका विरोध किया था कि तुम्हारी तानाशाही को हम कबूल नहीं करते। आज वो समाजवादी पार्टी में लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष, और इसलिए ये लोहिया वाहिनी के लोगों ने कार्यक्रम किया है, नवीन यादव ने कार्यक्रम किया है, तमाम इनके साथियों ने कार्यक्रम किया है। इसके मुख्य अतिथि अगर बनाए गए हैं तो श्यामलाल पाल जी बनाए गए हैं, और हम किसका प्रत्याशी हैं वोट मांगने आए हैं, आदरणीय अमर पाल सिंह या मौर्य जी का। ये है पीडीए, और इस पीडीए के मंच की एकता को हमें बरकरार रखना और अखिलेश यादव जी को यकीन दिलाना। एक बार की छोटी सी बात कह करके विदा लूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे प्रत्याशी जी का एक एक मिनट कीमती है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, एक एक मिनट उनका कीमती है, ऐसे कठिन मौके पर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उन्हें पूरे प्रदेश में देखना है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैनिफेस्टो बन रहा था, मैं समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो बनाने की टीम में था, ये अपने प्रचार के लिए नहीं कह रहा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इस विचारधारा को, समाजवाद की विचारधारा को जो तुम बाहर कहते हो, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को, ये झलकना चाहिए कि पीडीए हमारे विचारधारा में है। आप अगर समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो खोजेंगे तो उसमें है ही ये लिखा हुआ कि इस बार पीडीए सरकार, और पीडीए की सरकार बनाने के लिए उन्होंने कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और गरीब, कमजोर, किसान, नौजवान, इन सब के दुख दर्द का इलाज करना इस बार इंडिया गठबंधन के लोगों ने ठाना है। बताओ फूलपुर के लोगों कि आप अपनी बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। इसलिए अब बहुत लंबी चौड़ी बात करने की बजाय आपसे हम ये अपील करेंगे, पहला ही नंबर है आदरणीय अमरनाथ सिंह मौर्य जी का, आदरणीय अमरनाथ सिंह मौर्य जी का कौन सा बैलेट नंबर है तो बताओ, फूलपुर लोकसभा से पूरे उत्तर प्रदेश में पहली जीत होगी कि नहीं होगी, एक एक वोट साइकिल पर पड़ेगा कि नहीं। आम आदमी पार्टी के भी बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता होंगे हमारे बीच में, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे बड़े सम्मानित नेता और कार्यकर्ता लोग होंगे। बताइए, आज फैसले की घड़ी है। अब ज्यादा वक्त न लेकर के केवल एक बात कहूंगा, जब मैनिफेस्टो बन गया तो आदरणीय अखिलेश जी ने कहा कि एक बात सोच कर देखो कि बीजेपी का लड़ाई का मुद्दा क्या है, मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान। कल तक कहते थे कि देश खतरे में है, अब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आपकी भैंस खतरे में है। बताओ, ये भैंस पालने वाले, गाय पालने वाले, बकरी चराने वाले, हाथ से काम करने वाले, मेहनत करने वाले, हसुआ फरसा चलाने वाले, फरसा कुदाल चलाने वाले, तमाम पाल, गडेरिया, अहिर, कुर्मी, कोयरी, निषाद, मल्ला और तमाम ये जातियां जिनको इन्होंने जातियों में बांट दिया। बताओ आप सब लोग, हम सब का दर्द एक है कि नहीं एक है, और अगर हम सब का दर्द एक है तो दवा भी एक होगी कि नहीं। इसलिए आज एक वादा करो, पूरे आप इलाहाबाद में कोई मनमुटाव होगा, कोई पुराना विवाद होगा, आज सारा विवाद खत्म करके ये 90% लोग एक होकर के आदरणीय अमरनाथ सिंह मौर्य जी को जिताने का काम करेंगे कि नहीं। ये हमारी ओर से भी हम हाथ जोड़कर विनती करने आए, कोई भी कोई बात हो जाए। अब यही मंच है, बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले पाए हूं, ए नवीन जी कितना संभाले, इनके टीम के लोग कितना संभाले। इसलिए हम निवेदन करने आए, चुनाव के वक्त में एक एक वक्त कीमती है, अगली सभा में जाना है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को जाना है, और आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम भी लगने वाला है। इसलिए जो उन्होंने लड़ाई छेड़ी है कि संविधान बदलने वाले एक तरफ हैं, तो बताइए संविधान बचाने वाले एक तरफ हो जाएंगे कि नहीं, एक तरफ हो जाएंगे ना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुखबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है,
दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसलिए जनता का चुनाव हो गया है। और एक बात मैं बताऊं, पहला चरण जब शुरू हुआ तो फलाने कहते थे अब की बार 400 पार, कह रहे थे ना। दूसरा चरण आया तो कहे कि अब की बार हमारी सरकार। तीसरा चरण आते आते वही मंगलसूत्र भैंस पर आ गए। चौथे चरण के बाद आधा लड़ाई आप जीत चुके हैं, अब की बार उत्तर प्रदेश में हाफ और पूरे भारत से साफ, ये आज लड़ाई का आगाज हो चुका है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों, मैं आपसे केवल एक अपील करने आया हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने जो आरक्षण का हक दिया, जो बीपी मंडल ने मंडल कमीशन लागू करके ओबीसी समाज के लोगों को हक दिया, जो बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण दिया, ये भाजपा के लोग अगर जीत गए तो हमारा आरक्षण खत्म कर देंगे। बताओ सही बात है कि नहीं? बताइए आप आरक्षण के दुश्मन ये हैं कि नहीं है? बताइए बाबा साहब के सपनों के भारत के विरोधी हैं कि नहीं? इसलिए इसका जवाब देंगे कि नहीं? इसलिए आपसे मैं कहने आया हूं कि गांव में जब आग लग जाए, गेहूं का खेत पका हो तो आग जब फैलने लगती है गांव के लोगों, बताओ तो क्या मेड़ पहचानती है? क्या बताइए मेड़ पहचानती है किस जाति बिरादरी के खेत का मालिक का है खेत, वो देखती है क्या? आग की लपट जिसके लपेटे में आती है सबको जला देती है। ऐसे में इस देश में संविधान विरोधियों की ये आग लगी है, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई और तमाम चीजें बढ़ गई। बताइए इस आग को बुझाने के लिए जैसे गांव का आदमी खेत की तरफ दौड़ पड़ता है, इसका इंतजार नहीं करता है कि मेरे खेत तक आग आई है कि नहीं। इसलिए बताओ आप सब लोग, ये भाजपा इसकी सरकार को 2024 में बदलने के लिए वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? आखिरी वाक्य, 25 तारीख को वोट पड़ना है। 25 तारीख को जब वोट पड़े तो जरा सजग रहिएगा, बौखलाहट बढ़ गई है, पता है कि नहीं? पुलिस प्रशासन को लगा दिया गया है और इसलिए बहुत तरह के बेईमानी का अंदेशा है। बताओ आप फूलपुर के लोगों, क्या बेईमानी होने दोगे? क्या वोट डालने में बेईमानी आप होने दोगे क्या? और जब 4 जून को वोट की गिनती हो तो बताइए पहरेदारी करके एक एक वोट की गिनती कराएंगे कि नहीं? बताइए आज से सारे ये पीडीए के लोग एकजुट होकर के अमरनाथ सिंह मौर्य जी को जिताने का काम करेंगे कि नहीं? इसलिए हम सारे लोग, और इस कार्यक्रम की सफलता इसी बात में है कि 4 जून को जब रिजल्ट आए तो 12 बजे के पहले ही फूलपुर सीट के आगे साइकिल के चुनाव निशान पर विजेता घोषित करने का एक ऐलान हो। इसी अपील के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और नवीन जी और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद। आप सब इतनी दूर से आए, आप सबका धन्यवाद। 24 में भाजपा हटाओ और सामाजिक न्याय का भारत बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय समाजवाद, इंकलाब जिंदाबाद।